अस्सलाम वालेकुम लवली फेलोज, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। और प्लीज़ रिक्वेस्ट के वीडियो को पूरा देख लिया करें, आई विल बी रियली रियली थैंकफुल। और चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आज सिर्फ कुछ टिप्स दूँगी जो कि बड़े ही इम्पॉर्टेंट हैं और हम इग्नोर कर देते हैं। टिप नंबर वन ये है कि आप सारे प्लांट्स को एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते, चाहे वो बाहर भी आपके आउटडोर भी पड़े हों। अब मेरे ये डिफरेंट प्लांट्स आपको नज़र आ रहे हैं कि डिफरेंट प्लांट्स पड़े हुए हैं, लेकिन इनका फिर भी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो इनकी डिफरेंट है। सबसे पहली बात तो ये है। अब अगर आप ये देख लें कि आपको जैसे बेबी सन रोज नज़र आ रहा है, सैक्यूलेंट है ये एक, और इसके बीच में भी जो लगा हुआ ये एचिवेरिया सैक्यूलेंट है, इनको मैं पानी बाकी प्लांट्स की निस्बत कम दूंगी, ठीक है, क्योंकि ये सैक्यूलेंट है। और आप मेरी सैक्यूलेंट्स पे भी मैंने बहुत वीडियोस बनाई हुई हैं, दूसरे प्लांट्स की निस्बत सैक्यूलेंट को पानी कम चाहिए होता है, चाहिए ज़रूर होता है, लेकिन देखें जैसे मैं अगर आज ये स्पाइडर प्लांट को पानी मैंने अभी 2 टाइम्स देना है, सुबह भी दिया शाम को भी, इसको मैं 2 टाइम्स नहीं दूंगी, इसको मैं 1 टाइम ही दूंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी अपनी ऐसे स्टेम्स में पानी स्टोर कर लेता है। जबकि इसको अगर मैंने 2 टाइम्स पानी ना दिया तो इसके जो लीव्स हैं ये ऐसे है फोल्ड हो जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि इसको पानी की कमी है। उसके बाद ये कास्ट आयरन प्लांट है, और आयरन कास्ट प्लांट है, इस पर अगर आप आ जाएँ तो ये अगर आप देखें कि ये फैला हुआ कितना ज़्यादा है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फैलता है, लेकिन इसकी भी मेन चीज़ ये है कि इसको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने इसको ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे इसे धूप कम से कम मिले, इसको गर्मियों की धूप बहुत ही कम पसंद है। देख अभी भी इस पे धूप आ रही है, तो आप देखिए इसके कुछ ना कुछ पत्ते आपको बीच में नज़र आ रहे हैं, ये ब्राउन इसीलिए हुए। कम से कम धूप और ज़्यादा से ज़्यादा पानी इसको गर्मियों में पसंद है, इसको ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा पानी पसंद है। आप इसे जब भी दें भर के पानी दें, और कोशिश करें कि गर्मियों में धूप इसको कम से कम लगे। तो ये देखिए जो हिस्से ज़्यादा साए में हैं वो ज़्यादा अच्छे ग्रीन ग्रो कर रहे हैं। उसके बाद जो हैंगिंग बास्केट्स में आपके प्लांट हैं, अब ये जैसे ये सक्यूलेंट है, ये भी बेबी सन रोज़ की वेरिकेटेड वैरायटी, इसको आपने एक दफ़ा आके पानी देना, बास्केट में भर के दें लेकिन एक दफ़ा दें, इसको 2 टाइम्स आके पानी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम वॉन्डरिंग ज्यू की बात करें तो इसको आप 2 टाइम्स आके पानी दें, इसे पानी पसंद है ज़्यादा। अब देखिए लगे हुए एक ही जगह पर हैं, ठीक है, लेकिन पानी से रिक्वायरमेंट उनकी डिफरेंट चल रही है, इसको आपको 2 टाइम्स आके पानी देना होगा तो ये ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा। ये देखें जैसे मैंने मुख्तलिफ जगहों पे इनको हैंग किया हुआ है, और ये टोटली पानी पे डिपेंड करता है कि आपने इसकी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, और इसको फुल सन नहीं लगने देना है अगर आपका ये बास्केट्स में या पॉट्स में है। उसके बाद हम आ जाते हैं ये अपने डॉलर प्लांट पे। इस प्लांट को तो पानी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इवन अगर आपके जो पॉट्स हैं उनके नीचे होल नहीं है तो ये उनका फेवरेट पॉट होगा, क्योंकि ये सारे का सारा ही पानी पीना चाहते हैं। तो इसलिए इनको तो पानी आप 2 टाइम्स ही बहुत ही ज़्यादा भर के देंगे तो ये उतने ही आपकी अच्छी इनकी प्लांट्स की ग्रोथ होगी। बोट लिली है, बोट लिली को आप दिन में एक दफ़ा ही पानी, चाहे मॉर्निंग या शाम को डिसाइड कर लें, दिन में एक दफ़ा भी दें तो ये इसके लिए एक पान गर्मियों में, ये मैं आपको समर शेड्यूल बता रही हूँ, ये विंटर शेड्यूल नहीं है, ये समर का मैं आपको बता रही हूँ कि समर में, क्योंकि विंटर में रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं, तो इसलिए मैं अभी सिर्फ समर की बात कर रही हूँ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसको भी आप दिन में सिर्फ एक दफ़ा पानी देंगे आके तो ये इसके लिए काफ़ी है। अब ये ड्रेसिना की इतनी इजी वैरायटी है कि इसको अगर आप एक दिन भूल भी जाते हैं पानी देना है, 2 टाइम क्या 1 टाइम भी नहीं देते तो भी ये सर्वाइव कर जाता है। तो इसको देना तो दिन में एक दफ़ा चाहिए, लेकिन अगर ये आप भूल भी जाते हैं तो इट्स ओके, आप दूसरे दिन आके पानी दे दें तब भी ये इसी तरह ही हेल्दी खड़ा होगा। उसके बाद हम आते हैं ये कैना लिली पे। अगर ये पॉट में लगे हुए, क्योंकि बहुत से लोगों ने ज़ाहिर है से सॉइल, जिनके पास जगह है उन्होंने सॉइल में भी लगाए हुए, इसको आप दिन में 2 दफ़ा आके पानी देंगे, इसको पानी बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए आप इसको दिन में 2 दफ़ा पानी देंगे। अब ये कैंप फायर सैक्यूलेंट है, अब इसको भी आप सिर्फ एक ही दफ़ा पानी देंगे, और दूसरा आप इसको फुल सन में बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अब इतनी गर्मी हो गई है कि आपने इसे शेड के नीचे रखना है, हाँ किसी जगह पे धूप ज़्यादा लग जाए तो उसमें आपको चेंज फील हो जाएगी, जो ज़्यादा ब्राइट एरिया में होगा उसका कलर ऐसे हो जाएगा। प्लांट सेम है, ये टोटल इसकी जो ये डिपेंड कर रहा है ये लाइट पे है, जिसकी लाइट ज़्यादा है ऐसे हो जाएगी। तो ये गर्मी में, मतलब ये बड़ा ही हार्डी प्लांट है तो ये चल जाता है आराम से, लेकिन पानी आपने फिर भी इसको 2 दफ़ा नहीं देना।
इसके बाद जो हमारी ये स्वीट पोटैटो वाइन है इसको भी आप 2 टाइम्स पानी देंगे, क्योंकि इसे भी पानी बहुत ज़्यादा पसंद है, वरना ये फ़ौरन ही ऐसे लटक जाती है। आपने इसको भी 2 टाइम्स पानी देना। ये हमारा एरो हेड प्लांट, और इसको हम एक ही दफ़ा पानी देंगे, इसे 2 टाइम्स नहीं देंगे। लेकिन याद रखें, ये मैं बता रही हूँ कि अगर आपके प्लांट्स बाहर पड़े हुए, इनडोर नहीं पड़े हुए, ये क्योंकि ये इंडोर प्लांट भी है और आपको इंडोर में ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है, ये बाहर अगर प्लांट्स पड़े हुए हैं तो इसको भी आप 1 टाइम पानी देंगे। और हाँ, आप इसको शावर कर सकते हैं आके इसके पत्तों को, लेकिन दूसरी दफ़ा आप आके इसे अगर बाहर प्लांट है इसकी मिट्टी में पानी मत डालिएगा। फंस को भी आप 2 टाइम्स पानी देंगे तो ये ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये आज की वीडियो थी। प्लांट्स तो बहुत ज़्यादा हैं इसलिए मैं सबको अभी नहीं एक्सप्लेन कर सकती, लेकिन मकसद थोड़ा सा ये बताना था कि आपने पानी चाहे एक जगह पे प्लांट्स हों, आपने उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं तो उनका ख्याल रखना है। सिर्फ इतना याद रख लें कि जितने आपके सक्यूलेंट्स हैं उनको आपने एक ही दफ़ा पानी देना है, अगर बाहर पड़े हुए हैं दो दो दफ़ा पानी नहीं देना है वरना वो ख़राब हो जाएंगे। और बाकी प्लांट्स जो हैं उनको मोस्टली वो आप 2 टाइम्स शावर भी कर सकते हैं, पानी भी दे सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कुछ हेल्प मिली होगी। अगर अच्छी लगे लाइक कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देख लिया करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।